नमस्कार किसान दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आज का किसान पर एक नई वीडियो के साथ। और जैसा कि अभी आप सोयाबीन की फसल का वीडियो देख रहे हो तो सोयाबीन की कंडीशन इस प्रकार से है। और मैंने जो है पहले फर्स्ट स्प्रे किस चीज़ का किया था तो उसके बाद क्या वाकई में ताबुली ने रिज़ल्ट दिया, तो बिल्कुल इसमें मेरे 100% ताबुली ने रिज़ल्ट दिया है। काफ़ी बढ़िया कंडीशन में फलियाँ आई है इस बार और मैंने इसमें जो है अभी सेकंड स्प्रे कर दिया है। अब बहुत सारे किसान भाई जो है इस समय दूसरा स्प्रे अपनी सोयाबीन की फसल में कर रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए, दूसरी बात कौन सी दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए, और क्या अब पानी आने जैसी स्थिति है, और अगर पानी नहीं आ रहा है और किस अवस्था में आपकी फलियाँ बन चुकी है, किस अवस्था में आपकी सोयाबीन है, तो आप जो है जो आप घाटा नहीं खा सकते हैं, अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि सोयाबीन की फसल में जो है अब कितना पानी चाहिए वो भी मैं इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो अभी जो है मेरे क्षेत्र की बात कर लेता हूं, मैं नीमच मनासा जावत की बात कर लेता हूं, तो यहां पे इक्वल सोयाबीन सबके एक समान है। लेकिन वहीं अगर मैं बात कर लेता हूं मंदसौर साइड की, तो वो थोड़ा सा 5 से 10 दिन का उनके गैप हो सकता है, क्योंकि इस बार जो है पानी शुरुआत से कहीं कहीं बुआई कर दी थी सोयाबीन की फसल की और कहीं कहीं लेट बुआई की थी, तो ज़्यादा फर्क नहीं है, 5 से 7 दिन का फ़र्क है। और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको दूसरा स्प्रे कौन सी दवाई का करना है, कौन सी दवाई आपके लिए बेस्ट रहेगी। आप बजट के हिसाब से भी मैं बता दूंगा कौन सी दवाई सस्ती रहेगी और वो रिज़ल्ट लंबे समय तक दे सकती है, और कौन सी दवाई जो है महंगी रहेगी वो भी आपको रिज़ल्ट शानदार देगी। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा और लास्ट तक आप वीडियो को देखना, पूरी आपको जानकारी दूंगा। तो क्या हमको जो है पानी की भी आस करनी चाहिए, ये भी इस वीडियो में मैं लास्ट तक बताऊँगा। तो जो भी किसान भाई चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे ताकि चैनल से जुड़ी कोई भी जानकारी आपको तुरंत मिल सके। बहुत सारे किसान भाई हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और चैनल को शेयर भी नहीं करते हैं। और किसान भाइयों, यहाँ पर अभी मैंने जो है 2-3 दिन हो चुके हैं मैंने एक सेकेंड हैंड ट्रैक्टर परचेस किया है, तो उसका भी मैं वीडियो अपने चैनल पर जल्दी डालूंगा। उसकी क्या परफॉर्मेंस है, किस प्रकार से ट्रैक्टर है, वो इस वीडियो में अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो प्लीज़ वीडियो पे बने रहिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो किसान भाइयों, अभी जो है पहला स्प्रे किया था मैंने, यहाँ पे टॉनिक के रूप में सुमिटोमो का ताबुली लिया था और काफ़ी मेरे को शानदार रिज़ल्ट लगा है। आप देख सकते हो फलियाँ, देखिए आप 95-60 वेराइटी की सोयाबीन है ये, लेकिन फलियाँ आप इसमें देख सकते हैं कितनी ज़ोरदार फलियाँ हैं। और हर पौधे में आप देख सकते हो, ये कोई मैं एक पौधा नहीं बता रहा हूँ, हर पौधे में आप जो है फलियाँ यहाँ पर देख सकते हैं और ऊपर तक बिल्कुल फलियाँ आप देख सकते हो, ऊपर तक फलियाँ हैं। और यहाँ पे मैंने जो है सेकंड स्प्रे किया है, तो फर्स्ट स्प्रे में मैंने टॉनिक के रूप में ताबुली का यूज़ किया था और इसके बाद जो है कंडीशन इस प्रकार से है। और यहाँ पे सेकंड स्प्रे कौन सी हमको दवाई का करना चाहिए, तो सेकंड स्प्रे में सबसे अगर आपका बजट कम है तो उस हिसाब से आप यहाँ पर ट्रैक्टर की जो 500 लीटर की टंकी होती है उससे ही सभी किसान भाई स्प्रे करते हैं, तो उसके हिसाब से मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आपको 250 ग्राम इमामेक्टिन बेंजोइड लेना है और उसके साथ जो है आपको 1 लीटर लेमड़ा साइलोथ्रिन लेना है। और पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मैंने जो है फर्स्ट स्प्रे यहाँ पे प्रोफेनोफास का और इमामेक्टिन का किया था, लेकिन मैंने जो है यहाँ पर डबल में स्प्रे मेरी बात कर ले, तो अगर आपको कम बजट में करना है आपकी दवाई का स्प्रे तो ये रहेगी, दूसरी दवाई महंगी रहेगी और उसका रिज़ल्ट काफ़ी लंबे समय तक रहता है। उसकी बात कर लेता हूँ मैं, तो वो रहती है कोराजन, जो कि लगभग मान के चलिए वो भी रिज़ल्ट शानदार देती है। और वो इसी दवाई का मैंने जो है स्प्रे किया, एक टंकी में मैंने लगभग मान के चलिए आपको 15 ml या 10 ml आपको प्रति टंकी के हिसाब से आपको लेना है, 10 ml तक का डोज आपको प्रति 15 लीटर की टंकी के हिसाब से आपको कोराजन का लेना है और वो आप स्प्रे कर सकते हो। यहाँ पे आप अम्प्लिको का भी यूज़ कर सकते हो, वो भी बढ़िया रिज़ल्ट देगी। आप 5 से 7 ml उसको भी डाल दोगे तो भी वो भी बढ़िया रिज़ल्ट देगी, क्योंकि उसमें लेमड़ा साइलोथ्रिन की मात्रा रहती है, तो आपको उसमें कोई अदर टेक्निकल मिलाने की ज़रूरत नहीं रहती है। लेकिन अगर कोराजन को आप यूज़ करोगे तो यहाँ पे आपको 0.5 लीटर प्रति 500 लीटर ट्रैक्टर की टंकी के हिसाब से आपको उसमें क्रॉस में डालनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे टॉनिक की बात कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैंने गोदरेज का डबल का यूज़ किया है और एक अदर कंपनी के टॉनिक का यूज़ किया है, दोनों का रिज़ल्ट का पता चलेगा तो कौन सा बेस्ट है। तो आप यहाँ पर टॉनिक, अगर आपके इस प्रकार से फलियाँ हो चुकी है तो आप यहाँ पर टॉनिक की बजाय आप यहाँ पर वाटर सोल्यूबल खाद का यूज़ करिएगा, वो बढ़िया रहेगा। और मैंने तो ऐसे ही रिज़ल्ट के हिसाब से किया, ये दाना अच्छा बढ़ता है तो उस हिसाब से मैंने रिज़ल्ट लेने के लिए यहाँ पे गोदरेज डबल का यूज़ किया। तो अब उसका लास्ट में पता चलेगा कि क्या आखिर में दाना बड़ा करता है या नहीं करता है, उस चीज़ को देखना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में मैंने उसके बारे गोदरेज डबल के और टॉनिक के बारे में भी बताया था कि किन किसान भाइयों को जो है
फर्स्ट में डबल का यूज़ करना है और किन किसान भाइयों को जो है ताबुली का यूज़ करना है। लेकिन ताबुली का रिज़ल्ट काफ़ी लाजवाब मिला है मेरे को। और यहाँ पे अगर बात कर लेता हूँ मैं कि टोनिक आपको गोदरेज का डबल लेना है, लिया था मैंने लेकिन आपको नहीं लेना है, तो यहाँ पे आप NPK वाटर सोल्यूबल जो खाद रहता है उसका प्रयोग आपकी फसल में कर सकते हो। दूसरा, यहाँ पे आपको सिलिकॉन चिप का मिलाना ज़रूरी है, आपको सिलिकॉन चिप को डालना ज़रूरी है। और वहीं अगर 0-52-34 या 0-50 का भी आप यूज़ कर सकते हैं। और मात्रा जो है आपको 200 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से लेनी है आपको। अगर 15 लीटर की टंकी में यूज़ कर रहे हो आप, तो यहाँ पे जो है आपको कम से कम मान के चलिए आपको 20 ग्राम से ज़्यादा आपको यहाँ पे मात्रा नहीं लेनी है। और अब जो है पानी की स्थिति की बात कर लेता हूँ मैं, तो पानी मेरे को नहीं लगता है कि पानी 8-10 दिन आ सकता है। और अभी जो अगर 8-10 दिन पानी नहीं आएगा तो मेरे को, आप भी देख सकते हो कंडीशन इस प्रकार से है, दरारें, ज़्यादा अच्छा पानी नहीं गिरा है, नमी है ज़रूर खेत में लेकिन फिर भी उतना नमी नहीं है जितनी होनी चाहिए, और पानी जो है वो ज़्यादा नहीं है। तो इस स्थिति में अगर आपके इस प्रकार से फलियां हो चुकी है सोयाबीन की फसल में, तो आप यहाँ पे बेझिझक यहाँ पे आप जो है दवाई स्प्रे करने के 2-3 दिन के बाद जो है आप सिंचाई कर दोगे तो आपको शानदार रिज़ल्ट मिलेगा। क्योंकि इस बार आप पानी के भरोसे नहीं रह सकते हो। और सामने मेरे खेत से आगे एक मूँगफली लगा रखी है तो वहाँ पर अभी फुहारे चल रहे हैं, तो आपको जो है बिल्कुल भी भरोसे नहीं रहना है क्योंकि पानी का भरोसा नहीं है। पानी मेरे को नहीं लगता है कि 10 दिन तक पानी है, हमारे क्षेत्र की बात कर लेता हूँ, लेकिन नेट पे देखा था। तो अब जो है मैंने इस पर स्प्रे किए हुए लगभग 2 दिन हो चुके हैं, तो अब यहाँ पे मैं जो है सिंचाई करूँगा। और सभी किसान भाइयों से यही बोलूँगा कि आप पानी के भरोसे ना रहें। अगर इस प्रकार की आपकी स्थिति हो चुकी है सोयाबीन की फसल में, तो आप बेझिझक यहाँ पर जो है स्प्रे करने के, आप 1-2 दिन के बाद जो है इस प्रकार की स्थिति हो चुकी है तो आप यहाँ पे जो है आपकी सोयाबीन की फसल में पानी चला दे, सिंचाई कर दे। क्योंकि इस वर्ष जो है मेरे को नहीं लगता है पानी उतना अच्छा गिरा है सोयाबीन की फसलों के लिए। और हमारे तो यहाँ लगभग 3 साल हो चुके हैं ऐसा ही हो रहा है, जब ज़रूरत रहती है फसल को तब पानी नहीं गिरता है। अच्छी फसल की बात कर लेता हूँ मैं, तो लगभग वर्ष 2018 में हमने जो है अच्छी सोयाबीन की फसल कमाई थी। उसके बाद तो 2019-20-21-22 तक हमने कुछ उतना खास उठाव और उतनी जो बैठती है सोयाबीन बीघे के हिसाब से उतनी अच्छी नहीं बैठी है। लेकिन इस वर्ष थोड़ी उम्मीद है, तो ये पानी नहीं गिर रहा है क्योंकि इस वर्ष जो है थोड़ा सा मेरे को लगता है फलियां अच्छी है पिछले वर्ष से मेरे इसमें। और हर पौधे में आप मान के चलिए फलियां अच्छी है, ये देखिए हर पौधे में फलियां अच्छी है। तो यहाँ पे जो है सिंचाई आप कर दें, अगर आपकी अच्छी फलियाँ हैं, अगर आपके अच्छे फल हैं, फलियाँ हैं आपकी सोयाबीन की फसल में, तो आप यहाँ पर स्प्रे कर दे। दूसरी बात यह है कि जिन किसान भाइयों के अगर फलियां बन रही हैं या कोए आ रहे हैं, तो वो इस समय सिंचाई ना करें, वो थोड़ी सी तावण अपने खेत में लगने दे। और इससे ये रहेगा कि अगर आप उस स्थिति में अगर आप सोयाबीन की फसल में सिंचाई करेंगे तो हो सकता है कि यहाँ पे आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि फलियाँ जो है आधी से ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं, फलियाँ बनती नहीं हैं और एकदम से सोयाबीन जो है बांस टाइप रह जाती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये मैंने थोड़ी सी मेरा अनुभव थे और मेरी जानकारी थी मैंने बताया है। और पानी की स्थिति मैंने मेरे क्षेत्र के हिसाब से बताई है, मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ, लेकिन मैंने नेट पे देखने के बाद मैंने अनुमान लगाया। तो इस स्थिति में जो है अगर आपकी सोयाबीन की फसल है, तो यहाँ पे आपको एक पानी की ही आपकी सोयाबीन की फसल को ज़रूरत है, तो आप वो सिंचाई के द्वारा भी दे सकते हो। अगर सिंचाई के द्वारा दे दोगे तो आपकी फलियाँ जो है पक कर एकदम बढ़िया हो जाएगी और आपके सोयाबीन के उत्पादन में भी उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और नए किसान भाई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करिएगा। धन्यवाद। जय जवान, जय हिंद, जय भारत।